एमाइड्स की नेमिंग नोट करनी है, एसिड एमाइड्स। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था अमीन्स के अंदर, सेम इसके अंदर भी होता है। जब प्राइमरी एमाइड अगर है, प्राइमरी एमाइड CONH2, CONH2 ये प्राइमरी एमाइड है 1 डिग्री। ईशांत देखो 1 डिग्री एमाइड है ये। अब जैसे इसमें लिखा सफिक्स क्या होगा, एमाइड, और प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सामाइड हो। प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सामाइड, सफिक्स एमाइड, प्रीफिक्स कार्बोक्सामाइड हो, सही ना, कार्बोक्सामाइड हो, या कार्बम ऑयल भी बोलते हैं, कार्बम ऑयल। और ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है ध्यान रखना चीज का। ईशांत सही ना, ये क्या है टर्मिनेटिंग। अब इसकी नेमिंग करनी है तुम्हें, जैसे HCONH2, CH3CONH2, CH3CH2, CHCONH2, CH3। CONH2, CONH2, ये करवाया तो नहीं ना पहले। अच्छा नो सर, नो सर, नो सी सर, एच टू सी ओ एच टू सी एच सी एच टू सी ओ एच टू चलो इनकी नेमिंग करो। सर हाँ जय, सर ईशान कह रहे हैं वो अपनी स्क्रीन सेट कर रहा था अच्छा हाँ सर, उसको ले लो। बोल, एंटर कर लेगा।
देखो आंसर जल्दी से देख लेंगे आंसर। फर्स्ट का नाम क्या होगा, एक बार चित्रांश बोल दे जल्दी जल्दी। मिथेनामाइड, फर्स्ट का नाम है इथेनामाइड, मिथेन। हाँ एक मिनट, क्या कॉमन नेम भी कर रहे हैं ना, मिथेनामाइड कॉमन नेम, फॉर्म एमाइड। नेक्स्ट का CH3CNH2, इथेनामाइड है ये, और कॉमन नेम एसिडामाइड। इथेन फॉर्मेमाइड एसिडामाइड बहुत ज्यादा यूज होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड का थर्ड टू मिथाइल ब्यूटेनामाइड। 1 2 3 4 टर्मिनेटिंग है, वन इसको हमेशा मिलेगा, टू पे मिथाइल ग्रुप ही है, टू मिथाइल ब्यूटेनामाइड। नेक्स्ट प्रोपीन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। वन पे ये, टू पे ये, थ्री पे ये, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, क्योंकि सी काउंट नहीं हुआ है, टर्मिनेटिंग फंक्शन रुपए सी काउंट नहीं होगा तो कार्बाइड जरूर आएगा, कार्बोक्सामाइड ये लिखते हैं। कार्बोक्सामाइडो नहीं है, कार्बोक्सामाइडो उसका प्रीफिक्स है। नेक्स्ट 3 1 कार्बोक्सामाइडो मिथाइल, पेंटेन 1 5 डायमाइन डायमाइड। 1 2 3 4 5, हाँ इसे 5 की चेन लेंगे पूरी। 3 पे आएगा इसका प्रीफिक्स 1 कार्बोक्सामाइडो मिथाइल, 3 पे ब्रैकेट में, अब यहां पे कार्बोक्सामाइडो लिखेंगे, 3 पे 1 कार्बोक्सामाइडो मिथाइल, 3 पे 1 कार्बोक्सामाइडो मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन आएगा, पेंटेन 1.5 डाईएमाइड। और किसी के सही हो सारे? 4 सही है। बहुत ये सारे सही होने चाहिए, गलती होनी चाहिए नवयांश। सही है, चलो तीन क्लियर हो गया कि सही नहीं? है। ये हाँ मानसी के सही है सारे, ये समझ आ गया कि नहीं? आ देते हैं। चलो नेक्स्ट अब है, एक दो नाम इसके और लिखेंगे। चलो इनकी नेमी कर दो ली से।
आंसर बोलेंगे पहले का। अरे बेंजीन कार्बोक्साइड। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉमनली यूज होगा, ध्यान रखना कॉमनली क्या यूज होगा, बेंजामाइड, बेंजामाइड, लेकिन इसका एग्जैक्ट आईयूपीएसी क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और नेक्स्ट का साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सामाइड। हाँ, सी काउंट नहीं हो रहा, ध्यान रखना टर्मिनेटिंग है ये, साइक्लो पहले भी किए नाम है ऐसे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट। बेंजीन इथेनामाइड। नहीं, अब यहाँ पे बेंजीन में कैसे सब्सटेंड आएगी ना, वन बी टू मेन फिनाइल। चेन ये नहीं होगी, मेन चेन ये होगी, अब टू पे फिनाइल इथेनामाइड, समझिए चित्राक्ष। यस सर। नेक्स्ट फोर्थ का, फोर्थ किया टू किसी ने, हेक्स नहीं टू सर टू हेक्स टू टू साइक्लो हेक्स टू इन इथेनामाइड। नहीं गलत है ये, और कोई ये आना चाहिए, इजी इजी नाम है बिल्कुल ये, पहले इसमें ढूंढो प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, यहाँ पे बॉन्ड है, बोलना किसी को, बोलो चित्राक्ष, बोलना है क्या, सर मेरा भी वही था। चिकार इजी है, तो गलत थोड़ी होना चाहिए, ठीक है। मैं इसके दो तीन और नाम लिखवा दूंगा तुम्हें, ताकि ये वाली गलती ना हो बिल्कुल भी इस टाइप की। देखो ये मेन चेन है, वन इसको मिलेगा, टू इसको, अब टू पर जो डायरेक्ट है कार्बन है उसको वन दे देंगे, या वन डैश वन, फिर ये टू, ये थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह की चेन है, तो टू पे आएगा ब्रैकेट में, टू पे आएगा ब्रैकेट में साइक्लोहेक्स, टू पे इन है, टू इनाइल, क्योंकि मेन चेन का सब्स्टिट्यूएंट है ये, साइक्लोहेक्स टू इनाइल, और फिर इथेनामाइड, नहीं समझ आया नव्यांश, यस सर वो इनाइल का नहीं होता था। मेन चेन का तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो एल्काइल ग्रुप तो है ही है, सही है, ठीक है। जैसे नोट कर लिया सबने, ठीक यस है। चलो ऐसे ही मैं ना दो तीन और देता हूँ इसी टाइप के, मान लो कोई एक प्रिंसिपल चेन है, ये एक प्रिंसिपल चेन है, कोई मेन प्रिंसिपल चेन ये है, और इसके साथ ये लगा हुआ है, अगर इसकी नेमिंग क्या होगी जल्दी जल्दी बताना तुम्हें, बस सबस्टिट्यूएंट का नाम बताना तुम्हें, सिर्फ सबस्टिट्यूएंट का नाम, प्रिंसिपल चेन है, इसकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि ढंग से,
अब ये जल्दी से आंसर देने, मेरा खत्म होता है, ये लिख दिया मैंने इतने, इसके बेसिस पे तुम आंसर दो, इस पे क्या आएगा? चलो एक बार किसी को 11वें नंबर बच्चे बोलना तो बोल सकता कोई, नहीं तो चित्रा के आंसर बोलियो ले ले, किसी को बोलना है नेमिंग इनकी। ये मान लो सब 5 पे आ रहे हैं, यहाँ 5 पे, यहाँ 5 पे, यहाँ 4 पे, यहाँ 4 पे, जो सबसे लगे हुए हैं, यहाँ 3 पे, यहाँ पे 5 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 6 पे, बोलो क्या आएगा आंसर? नव्याज बोलना है तेरे को आंसर? सर पहले अटेम्प्ट कर लो सर, बहुत बोल। नहीं नव्याज, इसमें टाइम लगा सकता मैं, इसमें आंसर बोलना जल्दी ले, देखते ही। चित्राक्ष तेरे को बोलना आंसर? चलो एक मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालेंगे आंसर, या पहले तो बताना है, पहले तो बताएगा कोई क्या? यस सर, फाइव बोलो चित्राक्ष। साइक्लो ब्यूट टू इनाइल। 5 पे? नहीं गलत है चित्राक्ष, तू देख नहीं रहा ढंग से। 5 पे डायरेक्टली अटैच कार्बन का 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4। 5 पे 3 मिथाइल आएगा ब्रैकेट में, 5 पे 3 मिथाइल, साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, समझा कि नहीं? ये ये सर वो मिथाइल ग्रुप है। ठीक इतना ढंग से देखना बिल्कुल। नेक्स्ट का सर, फाइव बताना है, नेक्स्ट का। साइक्लो एन हाँ टू इनाइल। 5 पे साइक्लोपेंट, 2 पे इनाइल, 2 पे इनाइल आएगा। 2 बता दिया मैंने, अगले 5 करने हैं, 6 है ना, अगले 6 करने हैं, अगले 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करेंगे।
हो गए। चलो देखेंगे आंसर। फर्स्ट सी का आंसर कौन बोलेगा? फोर हाँ बोलो बोलो। साइक्लो टू ब्रोमो टू क्लोरो हेक्स फाइव ईन। नहीं गलत है। देखो और किसी को बोलना है? फोर सिक्स ब्रोमो सिक्स पे। हाँ क्लोरो फोर साइक्लो हेक्स टू इनाइन। तो सही है। वन देंगे इसको। जब कहाँ जाएंगे? डबल बाउंड की तरफ। 1 2 3 4 5 6। तो 6 4 पे आएगा 6 ब्रोमो 6 क्लोरो। 6 ब्रोमो डैश आएगा, ये 6 क्लोरो। और साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। समझ गया नवयांश? यस सर। साइक्लोहेक्स 2 इनाइल और उसके बाद जो भी चेन होगा। नेक्स्ट का नाम जल्दी बोलेंगे, डी का। फोर साइक्लो फाइव हाइड्रोक्सी हेक्स टू नाइन। 1 2 3 4 5 6। डबल राउंड की तरफ जाएंगे, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो आएगा 4 पे ब्रैकेट में 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। क्लियर है कि नहीं? साइक्लोहेक्स टू इनाइल। नेक्स्ट 3 साइक्लो 3 ऑक्सो 4 हाइड्रोक्सी 5 अमाइनो हेक्स टू नाइन। 4 ऑक्सो। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले 4 ऑक्सो नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 6 अमाइनो। समझिए चित्राक्ष, यस पहले आएगा 6 अमाइनो, फिर 5 हाइड्रोक्सी और फिर आएगा 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। साइक्लोहेक्स 2 इनाइल और उसके बाद तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट का 5 पे। इथाइलिन इथाइलीडीन। नहीं यार, डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है। टू सर इथाइलिन पे नहीं लिख सकते। नहीं, गलत है वो। इथाइलीडीन, वन या तो मिथाइल वो डायरेक्टली इथाइलिडिन अटैच। हाँ 1 मिथाइल इथाइलीडीन। ये कराया तो है क्लास में, और इसको आजकल ऐसे भी यूज कर रहे हैं। 2 पे आइसोप्रोपाइलीडीन। क्लियर है क्या चित्राक्ष? 2 पे आइसोप्रोपाइलीडीन। यस नेक्स्ट 6 प्रोपाइलिडिन। 6 प्रोपाइलीडीन कर लेंगे अभी। 6 पे प्रोपाइलीडीन। 6 पे प्रोपाइलीडीन। अभी क्लियर हो गया ना मैच तेरे को? यस सर। तो ये याद ना भूलना नहीं कुछ भी। अब सेकेंडरी अमाइड्स फंक्शनल ग्रुप CONH, वैलेंसी फ्री। सफिक्स एमाइड। प्रेफिक्स एल्काइल कार्बोक्सामाइडो। एल्काइल कार्बोक्सामाइडो एंड इट इज टर्मिनेटिंग। एंड इट इज टर्मिनेटिंग एच सील बॉन्ड ओ NH3CH7। जैसे अमीन था ऐसे ही सेम ये है, जैसे अमीन था ऐसे ही ये है। दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ। एन सील बॉन्ड ओ NH3CH3। CLBR लगा दो। डबल बॉन्ड ओ NH। चलो ये 3 एग्जांपल करने, जल्दी से जल्दी करेंगे अभी, ताकि मैं टर्शियरी मेडल ला सकूं।
हो हाँ बोलेंगे आंसर फर्स्ट। हाँ एन प्रोपाइल में मिथेनामाइड, सही है, एन प्रोपाइल। मिथेनामाइड। मिथेन एमाइड, मिथेन एमाइड, एन प्रोपाइल फॉर्मामाइड कॉमन नेम, एन प्रोपाइल फॉर्मामाइड कॉमन नेम। नेक्स्ट। हाँ N2 डाइमिथाइल टोपिनामाइड। N2 डाइमिथाइल, एन पे मिथाइल यहाँ पे है, और 1 2 2 पे भी मिथाइल, N2 डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड। नेक्स्ट। N इथाइल, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड। 1 2 3 एन इथाइल 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड। क्लियर है? यस एक दो एग्जांपल लिखेंगे टर्शियरी एमाइड्स की, तीसरी सर। एमाइड। सेकंड फर्स्ट वाले कॉमन नेम क्या था? एन प्रोपाइल था क्या? फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड लगाना बस मिथेनामाइड की जगह। समझ गया नव्यांश? CON 2 वैलेंसी फ्री, ये है टर्शियरी एमाइड्स। सफिक्स है इसका सेम वही एमाइड। प्रीफिक्स है डाई एल्काइल या एल्काइल एल्काइल डैश, डाई एल्काइल कार्बोक्सामाइड। एच सी बॉन्ड ओ एन C2H5 C3H7 CH2 डबल बॉन्ड CH C बॉन्ड ओ एन C2H5 C2H5। दो नाम कर दो जल्दी से। चलो सही आएगा फर्स्ट का चित्राक्ष। सही एन इथाइल एन प्रोपाइल मिथेनामाइड। बिल्कुल सही है, एन इथाइल एन प्रोपाइल मिथेनामाइड। नेक्स्ट। हाँ एन एन डाई इथाइल प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन। क्या कर रहा है, इतना गलत नाम बोल रहा है। हाँ प्रॉप 2 इन 1 अमाइड सॉरी। एन एन डाइथाइल Prop2In1Amide। क्लियर है कि नहीं सबको? ये टर्शरी अमाइड्स हैं, ठीक है ना? ये टर्शरी अमाइड है, क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। चलो एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जो मैं कल क्लास में पूछूंगा, जो नहीं सुनाएगा खड़ा रहेगा, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और इंडेक्स नंबर, और अनसेचुरेशन नंबर, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। टीयू से डिनोट करते हैं इसको।
ना, इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसका फॉर्मूला चाहिए अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, DBE और DU का डिग्री ऑफ, और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं, HDI, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स ये भी कहते हैं इसको। ये होता है समेशन ऑफ एन इंटू वी माइनस टू डिवाइड बाई टू, प्लस वन अलग से है, प्लस वन अलग से है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, वी है वैलेंसी ऑफ डेड एटम, एन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, वी यहाँ पे वैलेंसी ऑफ डेड एटम है। और बेसिक डेफिनेशन जो इसकी है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन टू गेट ओपन चेन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन टू कन्वर्ट रिंग इनटू ओपन चेन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन टू गेट ओपन चेन फ्रॉम रिंग, टू ब्रेक रिंग इनटू ओपन चेन, क्लियर है कि नहीं ये। और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, जैसे जो DU होता है ना, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये होता है पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग, पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग। जैसे मैंने बोला बेंजीन का DU कितना है, कितना बोलेंगे, 4 हाँ 4 है, 3 डबल बॉन्ड इसमें और एक रिंग है, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग, तो DU इसका 4 है, DU इसका 4 है। मैंने बोला फिनॉल का DU कितना है, फोर, इसका भी 4 है। अच्छा चित्राक्ष, यस सर, 4 समझ आ गया कि नहीं, यस सर, और फॉर्मूला से निकालना है DU, तो कार्बन के एटम 6 हैं, वैलेंसी कार्बन की 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं वाला, प्लस